भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि चाहे झारखंड में सीता सोरेन हो या महाराष्ट्र में शाइना एनसी हो, ऐसा क्यों है कि जब एक महिला अपने सिद्धांतों के लिए राजनीति में चुनाव लड़ती है या फिर आवाज उठाती है तो इंडी गठबंधन के नेता उसके खिलाफ बहुत ही मर्यादा विहीन बयान देते हैं। अपने बयान में स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि अगर इंडी गठबंधन के पुरुष नेता मुद्दों के आधार पर भाजपा या फिर एनडीए की महिला प्रतिनिधियों के साथ वाद विवाद करें तो ये स्वीकार्य है, लेकिन ओछी टिप्पणी करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना ये कहां तक मुनासिब है, ये हमें सोचना चाहिए। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। चाहे सीता सोरेन हो झारखंड में या शाइना एनसी हो महाराष्ट्र में, ऐसा क्यों है कि जब एक महिला अपने सिद्धांतों के लिए राजनीति में चुनाव लड़ती है अथवा आवाज उठाती है तो इंडिया अलायंस के नेता उसके खिलाफ बहुत ही मर्यादा विहीन बयान देते हैं। नीचता पे उतरने की बजाय अगर इंडिया अलायंस के पुरुष नेता मुद्दों के आधार पर भाजपा की अथवा एनडीए की महिला प्रतिनिधियों के साथ वाद विवाद करे तो ये स्वीकार है, लेकिन ओछी टिप्पणी करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना ये कहां तक मुनासिब है, ये हमें सोचना चाहिए। आज झारखंड में और महाराष्ट्र में आगामी चुनाव में अपनी हार को देखते हुए इंडिया अलायंस के नेता जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वाकई में उससे वोटरों को कोई पॉजिटिव अथवा कोई प्रोडक्टिव चेंज दिखाई देता है? मेरा ये मानना है आर्थिक नीतियों पर, आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करते ऐसे महिला प्रतिनिधियों के साथ इंडिया अलायंस के ये नेता। एक तरफ नरेंद्र मोदी 33% का आरक्षण का बिल पारित करके महिलाओं को देश की राजनीति में और बुलंद कर रहे हैं और दूसरी ओर इंडिया अलायंस के नेता महिला जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार की बदतमीजी कर रहे हैं। ये देश की जनता न सिर्फ देख रही है बल्कि वोटर भी इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। जिस तरह से एनसी को आइटम गर्ल कहा गया कि विदेशी आइटम, उससे पहले भी बहुत सारे कांग्रेस के नेता महिला नेत्रियों के खिलाफ जिस तरह से करते रहे टिप्पणी दुर्व्यवहार, आपको मैं याद दिलाती हूं कि इंडिया अलायंस के नेताओं ने तो द्रौपदी मुर्मू जी को भी नहीं बख्शा था। तो जो देश के महामहिम राष्ट्रपति का अपमान करे, स्वाभाविक है कि वो विधानसभा के चुनाव में महिला उम्मीदवारों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करेंगे। लेकिन मैं पुनः कहती हूं ऐसे पुरुषों से, आपको महिला प्रतिनिधियों के साथ अगर दो दो हाथ करना है शब्दों के जरिए तो आप आर्थिक मुद्दों पर कीजिए, आप आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर कीजिए, आप डेवलपमेंट के ऊपर कीजिए, नीचता पर उतरने की कोई जरूरत नहीं है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।